हेलो गाइस, तो आज मैंने बनाई है अपना सबका फेवरेट एग करी, अंडे का सालन, जो बहुत ही आसान तरीके से और घर के आइटम से बन जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे 5 बॉयल अंडे ले लेना है, मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। 3 मीडियम साइज के प्याज ले लेना है, 2 पोटैटो ऐसे कट करके, 3 टमाटर, 1 तेज़पत्ता, 3-4 कड़ी पत्ते, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी। चलो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें ऑयल गरम करने रख देना है, और ऑयल जैसे ही गरम हो जाए ना, उसमें हमें सबसे पहले हमारे एग फ्राई कर लेना है। ध्यान से डालिएगा और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें उसे फ्राई कर लेना है। 3 मिनट के बाद हमने उसे अलग पलट करके अच्छे से फ्राई कर लिए थे और उसे प्लेट में निकाल दिए थे। फिर वही तेल में हमें कड़ी पत्ता डाल देना है और हमारा तेज़पत्ता, ज़ीरा, फिर जैसे ही वो हल्के से लाल होएंगे तो उसी में हमें हमारा कांदा डाल देना है। ये सभी चीज़ मैंने हाई फ्लेम पे की हूँ, आप ध्यान रखना, हाई फ्लेम पे रहेंगे तो आपकी नज़र गैस पे ही होना चाहिए। फिर इसे पका लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब तक हमारे कांदे हो रहे हैं तब तक हम हमारे अंडे में वैसे छुरी की मदद से सब बीच में चाक कर लेंगे। फिर कांदा ब्राउन होने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसे अच्छे से हिला लेंगे और तब तक भून लेंगे जब तक इसकी स्मेल नहीं चली जाती। और थोड़ा पानी डालना है ताकि हमारे कांदे गल जाए। फिर अदरक लहसुन की स्मेल के बाद हमारे मसाले डाल देंगे, हल्दी, लाल मिर्ची और गरम मसाला पाउडर, और इसे भी अच्छे से भून कर ले लेंगे। तब तक भुनना है हमें जब तक हमारा तेल नहीं छोड़ देता मसाला और तेल ऊपर नहीं तैरता। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा तेल ऊपर आ गया है, ये मैंने फास्ट और मीडियम गैस पे करी हूँ चम्मच चलाते हुए, तो हमारा तेल ऊपर आ गया था। फिर हमारे टमाटर डाल देना है उसी में और इसे भी अच्छे से भून लेना है जब तक इसी का भी तेल ऊपर नहीं आ जाता। अगर आप इसे ढककर भी पकाएंगे तो भी आपका तेल ऊपर आ जाएगा, और ऐसे भी खुला रख के भी पकाएंगे तो भी आपका तेल ऊपर आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं हमारा टमाटर भी अच्छे से पक चुका है, सब मसाले में तेल छिड़ चुका है। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए आप अपने हिसाब से टेस्ट करके, और इसे भी अच्छे से मिला लेना। और फिर इसके बाद हमारे आलू डाल देंगे गलने। आप इसमें बॉयल पोटैटो भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसी में आलू को गलाई हूँ। मैंने इसी में बॉयल पोटैटो डालने से आपका टाइम भी बचेगा, बट मैंने यहाँ पे आलू को इसी में कुक की हूँ, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और इसे मैंने कुछ करीबन 10 मिनट स्लो गैस पे पकाई थी जब तक मेरे आलू पूरी तरीके से गल नहीं गए थे। बीच बीच में हमें चेक करते रहना कि हमारा मसाला नीचे लग ना जाए। और इसमें मैंने 2 ग्रीन चिली भी ऐड की थी, ये आप नहीं भी ऐड कर सकते, बट मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारा आलू गल चुका था, चेक कर लेना है कि हमारा आलू गला है कि नहीं। फिर उसके बाद हमारे अंडे डाल देना है और इसे अच्छे से मिलाकर ले लेना है हमें। जितना आपको करी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देना है, या मैंने 1/2 ग्लास पानी डाल दी हूँ और इसे मैंने ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी। फिर उसके बाद हमारी ग्रेवी एकदम तैयार रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी ने तरी छोड़ दिया था, और उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर फ्रेशली कट धनिया डालना है, से स्वाद एकदम बदल जाता है कोई भी खाने का। ये हमारी एग करी, अंडे का सालन एकदम तैयार है, एकदम सिंपल तरीके से घर के मसालों में। आपको इसमें बाहर से कोई भी मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे ट्राई कीजिए। जब आपके घर पर चिकन या मटन अवेलेबल नहीं है और आपको अच्छा खाना है, तो आप अंडे का सालन बना के खा सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए माशाल्लाह हमारी ग्रेवी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज़।